कभी कभी हम सुनने को तो अच्छा लगता है कि फलाना व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, 14 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम करता है, सुनना अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली 18 घंटे काम करना क्या होता है, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा लेसन है। मैं जब गुजरात में था तो केका शास्त्री जी करके एक बहुत बड़े विद्वान थे, स्वयं तो 5वीं 7वीं कक्षा तक ही पढ़े थे, लेकिन अनेक ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, दर्जनों ग्रंथ लिखे थे, और वो पद्म सम्मान से भी सम्मानित थे। वो जीवित रहे थे 103 साल, और जब मैं वहां था तो मैंने उनकी शताब्दी का ऑफिशियल कार्यक्रम सरकार का किया था। मेरा उनके साथ बड़ा निकट रिश्ता जैसा था, बड़ा प्यार रहता था मुझ पर उनका। तो मैं बहुत साल पहले, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, तो हमने एक बार कार्यक्रम बनाया कि उनको लेकर के राजस्थान के तीर्थ क्षेत्रों पर मैं उनको दर्शन करने के लिए ले जाऊंगा। तो मैं उनको लेकर के चला, तो हम एक व्हीकल में थे सब लोग। मैं देखता था कि उनके पास बहुत कम लगेज था, लेकिन उसमें भी ज्यादा लगेज उनके लिखने पढ़ने की चीजें थी। कहीं रेलवे का क्रॉसिंग आता था तो बंद हो जाता था, रुक जाना पड़ता था, जब तक ट्रेन पारित नहीं होती वो दरवाजा खुलता नहीं था, आगे बढ़ते नहीं थे। अब उस समय हम क्या करते हैं, हम या तो नीचे उतर के थोड़े टहलेंगे, या कोई सिंगचना बेचता होगा तो लेकर के खाएंगे, हम अपना समय। मैं देखता था कि जैसे ही खड़ी हुई गई गाड़ी, वो अपने थैले में से कागज निकालते थे और एकदम से लिखना शुरू कर। तब उनकी उम्र मैं समझता हूँ 80 तो करीब पहुंच गई होगी। यानी समय का कैसे उपयोग करना, आउटकम किसको कहते हैं, मैं इतनी बारीकी से उनको देख रहा था। और शायद तीर्थ यात्रा के समय में रिलैक्स रहना, घूमना फिरना, देखना बातें, तो सारा बाजू में अपना काम करते ही रहना, किसी भी परिस्थिति में करते रहना, मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक होता है।